30 जनवरी को एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवाब मलिक बुलंदशहर पहुंचे और एनसीपी सपा आरएलडी गठबंधन में पार्टी के अनूप शहर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी के शर्मा के लिए डोर टू डोर प्रचार किया। इससे पहले उन्होंने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया और केंद्र की मोदी और योगी सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। महात्मा गांधी शहीदी दिवस पर उन्होंने कहा कि गांधी विचार है, गोडसे ने उनका शरीर भले ही खत्म किया हो लेकिन उनके विचार हमेशा अमर रहेंगे। केंद्र एवं प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी पर उन्होंने गोडसे की मानसिकता को संरक्षण देने और उसके विचारों को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे लोग मजबूरी में बापू का नाम लेते हैं जबकि पीठ पीछे गोडसे की विचारधारा को बढ़ाते हैं। उन्होंने जनता से अपील की कि बीजेपी लोगों को धर्म और जाति में बांटकर ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है लेकिन जनता को इस बार धर्म जाति से ऊपर उठकर किसानों, नौजवानों, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट डालना है। उन्होंने कहा कि देश की जनता आज विकल्प चाहती है और राष्ट्रवादी पार्टी पूरे देश में बीजेपी का विकल्प तैयार कर रही है और उत्तर प्रदेश का गठबंधन इसी कोशिश का ही हिस्सा है। राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज शर्मा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि लोगों ने मन बना लिया है कि बीजेपी को वोट नहीं देना है, गठबंधन के साथ ही लोग जाएंगे, यहाँ हर कोई खड़ी के साथ जाएगा। आज की इस प्रेस वार्ता में उपस्थित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अनूप शहर के प्रत्याशी के शर्मा जी, नेशनलिस्ट यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज शर्मा जी, हमारे नेता पुष्पेंद्र मलिक जी, समाजवादी पार्टी के नेता हुसैन खान साहब, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र के प्रवक्ता संजय तटकरे जी और सभी पत्रकार साथियों, सबसे पहले आज 30 जनवरी महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है। मैं बापू को आदरांजलि अर्पित करता हूँ। निश्चित रूप से आज के दिन महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। जिन लोगों ने, जिन विचारधारा के मानने वाले लोगों ने बापू की हत्या की, उन्हें लगा कि बापू की हत्या के बाद बापू के विचार पूरी तरह से देश दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि महात्मा गांधी व्यक्ति नहीं, विचार है, और भले उनकी हत्या की गई हो लेकिन बापू के विचार देश दुनिया में आज भी जीवित हैं। कुछ लोगों को मजबूरी वश बापू का नाम लेना पड़ता है और बापू के नाम लिए बिना राजनीति चल नहीं सकती, इसलिए मजबूरी वश बहुत सारे दल, बहुत सारे नेता बापू का नाम लेते हैं लेकिन बापू के विचार को सरासर नकारने का काम सत्ताधारी पार्टी जो देश में है, राज्य में है, उसे नाकारती है। लेकिन फिर भी बापू के विचार को ख़त्म नहीं कर सकते, ये भी उन्हें मान्य है। निश्चित रूप से जिस तरह देश में, उत्तर प्रदेश में खास करके है, देश की जनता त्रस्त है केंद्र और राज्य की सरकार से, और इन 5 राज्यों के चुनाव में जब 10 मार्च के दिन नतीजे आएंगे तो सारा गुस्सा 5 राज्य में जिस तरह की परिस्थिति है, खास करके उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, जहाँ पे आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, निश्चित रूप से जनता गोवा में सत्ता परिवर्तन करना चाहती है, जनता उत्तराखंड में सत्ता परिवर्तन करना चाहती है और खास करके उत्तर प्रदेश में भी जनता सत्ता परिवर्तन करने के मूड में है। जिस तरह से मोदी जी के लगभग 8 साल का कार्यकाल बीत गया, योगी जी का 5 साल का कार्यकाल बीता है,
सबसे बड़ी समस्या, इस देश में दो वर्ग सबसे ज्यादा परेशान है, किसान और नौजवान। किसानों को लेके बीजेपी अलग अलग दावे करते रही कि 2022 में किसानों की आय दुगनी करने का काम किया जाएगा, लेकिन आय दुगनी तो नहीं हुई। किसानों के माल की लूट लगातार इस देश में जारी है। जो खाद है उसकी कीमत बढ़ा दी गई, बोरा में 50 किलो की जगह खाद 45 किलो का बोरा बना दिया गया। लगातार डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ट्रैक्टर हो पंप चलाने के लिए किसानों को लूटा जा रहा है। कहा जा रहा है कि किसान सम्मान निधि द्वारा किसानों को 2,000 रुपये दिया जा रहा है, लेकिन जितना पैसा केंद्र सरकार खाद की कीमत बढ़ा के वसूल रही है, जितना पैसा डीजल की कीमत बढ़ा के लूटा जा रहा है, वो किसान सम्मान निधि से 10 गुना ज्यादा किसानों को लूटने का काम किया जा रहा है। आमंत्रण है अनूपशहर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के नौजवानों के लिए कि 30 और 40 गांवों के बीच में एक हैवी इंडस्ट्री लगाई जाएगी और अनूपशहर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के नौजवानों को रोजगार के लिए दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चंडीगढ़ तो बहुत दूर है, बुलंदशहर भी रोजगार तलाश करने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। उनको उनका रोजगार उनके घर में मिलेगा और उनको ही नहीं उनके रिश्तेदारों को भी वही मिलेगा। ये पहली प्राथमिकता हमारी है। और दूसरी प्राथमिकता ये है कि जो हमारे किसान भाई हैं उनकी उपज को जिस तरीके से कि आवारा पशु नष्ट कर रहे हैं, हम इसकी समुचित व्यवस्था करेंगे। ये दो हमारी प्रमुख प्राथमिकताएं। देखिए, हम लोग आज उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं और खास तौर पे अनूप शहर में, घर घर में युवा बेरोजगार है, निराशा की ओर बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, युवाओं के लिए रोजगार देने का किसी ने भी काम नहीं किया है और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा आने वाले समय में और इस इलेक्शन में। युवा जाग चुका है और अब इस सरकार को बदलने का फैसला करेगा। देखिए, पूरे देश का और पूरे प्रदेश का हम सब लोग देख रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, ज़्यादा ऊपर, चाहे वो महिला सुरक्षा की बात करें या किसानों की बात करें, लोग इनसे परेशान हैं। यहाँ की जनता बदलाव चाहती है और मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ के लोग के शर्मा जो संयुक्त प्रत्याशी हैं RLD समाजवादी पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, उनको जिता के वो विधानसभा भेजने का मन बना चुके हैं।